हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वुमेंस लैब। आज बात करेंगे रैम परचेस करने के बारे में। हम में से बहुत लोग एग्जिस्टिंग रैम को बढ़ाना चाहते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो एक नया सिस्टम ख़रीद रहे हैं, प्रोसेसर और मदरबोर्ड ख़रीद चुके हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया बाइंग गाइड फॉर मदरबोर्ड्स एंड बाइंग गाइड फॉर प्रोसेसर, वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए। तो कुछ लोग रैम परचेज़ करना चाहते हैं, चाहे वो न्यू हो या एग्जिस्टिंग रैम को अपग्रेड करना हो। बहुत ही स्मार्टली रैम को परचेज़ करने की ज़रूरत होती है, वरना आप अपना पैसा वेस्ट कर चुके होंगे। अगर आपको अपना एग्जिस्टिंग रैम अपग्रेड करना है तो ध्यान रखिए, क्या आपको अपने लैपटॉप का रैम अपग्रेड करना है या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर का रैम अपग्रेड करना है, क्योंकि दोनों भी रैम के साइजेस में डिफरेंस आता है दोस्तों। लैपटॉप का रैम आपको थोड़ा छोटा साइज़ का मिलेगा और डेस्कटॉप का रैम थोड़ी बड़ी साइज़ का होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से डिवाइस के लिए रैम परचेस करना है। दूसरा पॉइंट है रैम के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी और कितने जीबी का रैम ख़रीदना चाहिए, कौन से ब्रांड का रैम ख़रीदना चाहिए, तो आपको ज़रूरत है अपने एग्जिस्टिंग कंप्यूटर के अंदर एक टूल रन करने की, और इस टूल का नाम है CPU-Z। CPU-Z टूल को रन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका एग्जिस्टिंग रैम कितने जीबी का है, उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितनी ओल्ड टेक्नोलॉजी का है, यानी कि DDR1, DDR2, DDR3 है या DDR4 है। अगर आपका कंप्यूटर 2007 से पुराना है तो उसमें चांसेस है कि DDR1 या DDR2 रैम होगा, लेकिन अगर आपका सिस्टम 2007 के बाद का बना हुआ सिस्टम है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे कि वो DDR3 रैम होगा। और अगर पिछले एक दो साल में कॉन्फ़िगर किया हुआ अगर आपका सिस्टम होगा तो चांसेस ये होंगे कि आपका रैम DDR4 रैम होगा। आप CPU-Z में चेक कर सकते हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम दो अलग ब्रांड के रैम खरीद सकते हैं, यानी कि हम 4GB का एक रैम खरीदेंगे किंगस्टन का और 4GB का एक रैम खरीदेंगे G.Skill का, या 4GB का एक रैम खरीदेंगे कॉर्सर का, तो ऐसा हम दो ब्रांड के रैम चला सकते हैं? आंसर है, ये सिस्टम पर आपके रन तो कर जाएगा लेकिन कंपैटिबिलिटी इशू देगा, इसलिए बेटर होगा कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बजट की वजह से लोगों का दूसरा सवाल ये होता है, क्या हम 3GHz और 2666MHz का रैम खरीद सकते हैं? तो आंसर है नहीं। ऐसा करने के पहले आपको चेक करना होगा कि आपका मदरबोर्ड कितना फ्रीक्वेंसी का रैम सपोर्ट करता है। अगर आपका मदरबोर्ड 3GHz का रैम सपोर्ट करता है तो आपको 3GHz का रैम खरीदना बेटर होगा, लेकिन अगर आपका मदरबोर्ड 2600MHz का रैम सपोर्ट करता है तो 3GHz के रैम को भी आपको 2600MHz पर ही चलाना होगा, यानी कि आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। अब काफ़ी लोगों का कहना ये होता है कि शॉपकीपर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि 8GB की सिंगल स्टिक लेने की बजाय आप 4 4GB के दो रैम लीजिए और उन्हें कनेक्ट कीजिए। क्या ऐसा करना फ़ायदेमंद है? ऐसा करना उसी वक्त फ़ायदेमंद है जब आपके प्रोसेसर में इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर्स हो, यानी कि अगर आप एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। और मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप इन फ्यूचर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने वाले हैं, और अगर अभी आप अपने बजट को लेकर लिमिटेड है और फ्यूचर में जाकर आप अपने सिस्टम में और ज़्यादा रैम लगाने वाले हैं, तो डेफ़िनेटली आपको सिर्फ 8GB की सिंगल स्टिक खरीदना ज़्यादा बेटर है। तब आपके पास फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्लॉट्स फ्री होंगे जिस पर आप काफ़ी ज़्यादा रैम्स लगा पाएंगे। और अभी अगर आप 4 4GB के दो रैम लेकर कनेक्ट कर देते हैं तो इन फ्यूचर आपके अपग्रेड करने के चांसेस कम हो जाएंगे, सिर्फ दो स्लॉट ही आपके पास बचे होंगे। अब कई सारे एडवांस यूज़र्स को पता होगा लेटेंसी के बारे में, और अगर आपको लेटेंसी के बारे में नहीं पता है तो नीचे कमेंट कीजिए और बताइए क्या हमें लेटेंसी पर एक वीडियो बनाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ होगी लेटेंसी। 4 digits आपको दिए होंगे और उस पर लिखा होगा लेटेंसी। ध्यान रखिए, लेटेंसी जितनी लो होगी रैम की स्पीड उतनी ज़्यादा ही फास्ट होगी। तो लेटेंसी जितनी लो हो उतना बेटर वो रैम होगा, तो लो लेटेंसी का रैम परचेज़ कीजिए, स्मार्टली रैम को परचेज़ कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइन ऑफ।